इनका स्वागत करने के लिए जोरदार ताली से गुड़गुड़ा दिया जाए। अब हम लोग के बीच सीधे विलंब नहीं करते हुए इनके साथ चल करके आए हुए हैं बिहार प्रदेश के महासचिव भाई वरेंद्र पप्पू जी से आग्रह है कि आवे और अपनी बात को रखे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, भावी मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और मित्रों, मंच पर उपस्थित इस विधानसभा के सम्मानित ऊर्जावान उम्मीदवार डॉक्टर दीपक जी और उपस्थित मित्रों, निश्चित तौर पर आप हमारे भावी मुख्यमंत्री जी को आप सुनना चाहेंगे। हम अपनी ओर से एक ही निवेदन के साथ अपनी बात को रखना चाहते हैं कि निश्चित तौर पर बदलना है बिहार को तो शिक्षा वाली सरकार लानी है। एक ऐसी सरकार जो 30 वर्षों से लगातार बिहार के अंदर सड़कों पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का संघर्ष रहा है और इस संघर्ष के बाद निश्चित तौर पर एक बिहार को नया विकल्प राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने दिया है। उस विकल्प को चुनना है ताकि बिहार में पढ़ाई, कमाई, रोजगारी का समाधान हो सके, नया बिहार का निर्माण हो सके, समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार, शिक्षित सुजोग उम्मीदवार डॉक्टर दीपक कुमार जी से आग्रह है कि आवे और अपनी बात को रखे। डॉक्टर दीपक कुमार जी, तालियों से स्वागत किया जाए। डॉक्टर दीपक कुमार, कौशल जी से बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी खुलाइए। आज के इस चुनावी सभा के अध्यक्षता कर रहे हैं श्री कुंतेश्वर प्रसाद जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष श्री जयमंगल कुशवाहा जी, मंच का संचालन कर रहे हैं भाजपा के व्यास पासवान जी, सह संचालक राजीव रंजन अनमोल जी, एआईएम के जिला अध्यक्ष अशरफ अली साहब, एआईएम के डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब, जितेंद्र तिवारी जी, राजीव रंजन अनमोल जी, बीएसपी के प्रदेश प्रभारी मुन्ना कुशवाहा जी, बीएसपी के जिला अध्यक्ष मुखलाल राम जी, रामकृष्ण कुशवाहा जी, आरएलएसपी के महासचिव संजय कुशवाहा जी, श्री प्रकाश सिंह कुशवाहा जी, श्री महेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, श्री मथुरा राम जी, सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, रूपलाल प्रसाद कुशवाहा जी, नागेंद्र कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता, दूर दूर से आए हुए सभी साथी, बताओ, मैं डॉक्टर दीपक कुमार कुशवाहा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पिछले 15 वर्षों से लगातार 4 बार से मोतिहारी भाजपा विधायक मोतिहारी में अकर्मण्य साबित हुए हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, प्रत्येक दृष्टिकोण पे मोतिहारी विधायक 100% जो है फेल हो गया है। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि ऐसे निगम में विधायक को हटाकर मुझे मात्र एक बार मौका दीजिए, मैं मोतिहारी को शिक्षित, विकसित, समृद्ध बनाने का काम करूंगा। मोतिहारी में एक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, सन 1955 ईस्वी में स्थापित हुआ था। सन 2005 ईस्वी तक लगातार कॉलेज चला है। पहली बार प्रमोद जी जब विधायक बनने के बाद उस कॉलेज के सचिव बनने के बाद सन 2005 से 2007 तक इतना लूट खसोट और घोटाला किए कि उस घोटाले के कारण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज बंद हो गया। ऐसे घोटालेबाज विधायक को यहाँ
सरकार से हटाना है, रालोसपा को भारी मतों से जिताना है। बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर अस्पताल जैसे संस्थान में एक अपेंडिक्स और एक हाइड्रोसिलेक्टिक हर्निया का ऑपरेशन तक नहीं होता है। जिस जिला में दो दो मंत्री हो, जिस जिला के केंद्र में भी मंत्री रह चुके हो, वैसे जिला का ये हाल है जहां पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन तक नहीं होता है। दुर्भाग्य हम लोग का कि ऐसे निगम में विधायक को हम लोग झेल रहे हैं। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि ऐसे निगम में विधायक को यहाँ से हटाना है, मुझे आप लोग एक मौका दीजिए, मैं स्वास्थ्य सुविधा को 100% बहाल करने का काम करूंगा। रोजगार का सृजन होगा। यहाँ के स्थानीय विधायक चीनी मिल के बंद होने का पूर्ण जिम्मेवार है। बोलता है लोग कि नहीं चीनी मिल प्राइवेट संपत्ति है। अरे भैया, इतना दिन से चीनी मिल चलता था तो इतना दिन से चीनी मिल चलता था आपके विधायकी में सन 2008 तक मिल चला है और आपके विधायकी के काल में मिल बंद हुआ है। इसका पूर्ण जिम्मेवार आप है, आपको भागने से काम नहीं चलेगा। हमें विधायक बनाइए आप लोग, चीनी मिल भी चलाने के लिए तन मन धन से मैं प्रयास करूंगा। हमारा मोतिहारी चंपारण की कर्मभूमि रही है, यहाँ से देश का राजनीति तय होता है, सब कुछ तय होता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ दो दो एयरपोर्ट है, एक मोतिहारी एयरपोर्ट, एक रक्सौल एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट चालू कौन करेगा उसका कोई चर्चा भी करना नहीं चाहता है। क्यों नहीं चर्चा करना चाहता है? इन लोगों को लगता है कि ये काम असंभव है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री के नियत में खोट है। यदि आपका नियत और मनसा सही हो तो एयरपोर्ट भी चालू किया जा सकता है। जब दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हो सकता है तो हमारे मोतिहारी में एयरपोर्ट क्यों नहीं चालू हो सकता है? आप हमें एक मौका दे, बार बार आप एक आदमी पे विश्वास किए हैं, मैं एक बार एक मौका आप लोगों से मांगता हूँ, एक बार हमें हम पे विश्वास करे, मैं मोतिहारी को विकसित, शिक्षित, समृद्ध बनाने का काम करूंगा। यदि नहीं कर पाया तो दोबारा आप लोग से वोट मांगने नहीं आऊंगा। एक चीज से सदा उड़ाने की जरूरत है। सारे लोग बदलाव की बात कर रहे हैं कि नहीं मोतिहारी में इस पर बदलाव हो के रहेगा, दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता है, लेकिन बदलाव कैसे करना है इसमें भी ध्यान रखना है। एक तरफ चार बार का विधायक, अकर्मण्य विधायक जो यहाँ के लिए एक भी काम नहीं करता है वो है, दूसरे तरफ डॉक्टर दीपक कुमार कुशवाहा जो आज तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, किसी प्रकार का कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। लगातार 15 वर्षों से मैं समाज का सेवा कर रहा हूँ, लगभग 15 सामाजिक संगठन से जुड़ के सामाजिक काम कर रहा हूँ, और एक तरफ आरजेडी के अपराधीकरण का लोग है, अपराधियों की बात है, हत्या लूट आतंक की बात है, तो भाजपा से अगर मुक्ति लेना है तो उससे भी ज्यादा जरूरी है कि राजद से भी मुक्ति लेना है। इस बार यहाँ ना भाजपा ना राजद, सिर्फ और सिर्फ रालोसपा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, एक बार आप लोग हाथ उठा के अपना सहमति दर्ज करेंगे, क्या मुझे आप लोग विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोगों के बीच गरीब गुरबों की आवाज, जन जन के नेता, किसान के बेटा और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आमंत्रण करते हैं। क्या हम लोग अपनी बात कर रहे हैं?
यहाँ उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र से हमारे गठबंधन की ओर से प्रत्याशी डॉक्टर दीपक कुशवाहा जी मेरे साथ पटना से चलकर आए हुए पार्टी की प्रदेश इकाई के महासचिव ब्रजेंद्र कुमार पप्पू जी, इस जिला में पार्टी के अध्यक्ष जयमंगल कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित कुंतेश्वर प्रसाद कुशवाहा जी, व्यास पासवान जी, राजीव रंजन जी, अशरफ अली साहब जो ओवैसी साहब की पार्टी के जिला के अध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारे नेता उपस्थित हैं, अलग अलग पार्टी के जो हमारा गठबंधन है उसमें सभी पार्टी के नेता यहाँ उपस्थित हैं। समय का अभाव है, सभीों का नाम लेना संभव नहीं है। से सम्मानित नेतागण और आप सब लोग सामने बैठे हैं, खड़े हैं या जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, सम्मानित अभिभावकगण, भाइयों, मित्रों, मीडिया के बंधुओं, मोतिहारी के भाइयों और बहनों, धैर्य आदमी का बहुत बड़ा गुण होता है, लेकिन धैर्य भी उस सीमा तक नहीं कि अपने बाल बच्चों का भविष्य पर बात होता रहे और हम धैर्य के साथ बैठे रहे। कर्मा हो आपके लिए कुछ भी न करे फिर भी उसको बनाया रह जाता है। हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करने आए हैं, धैर्य उसी सीमा तक जिस सीमा तक आपके बाल बच्चों की तकदीर बची रहे। आपके बाल बच्चों की तकदीर आज बर्बाद हो रही है। 15 साल जिनको पहले दिया है आपने, बिहार भर के लोगों ने दिया है, और 15 साल से अभी जिनका राजपाट चल रहा है, क्या किया इन लोगों ने? याद कीजिए पुराना उस वक्त का 15 साल, व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर भाग रहे थे। जब पटना की सड़कों पर लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी आ जाती थी तो दुकानदार अपना सदर गिरा लेता था। पूरे बिहार में आतंक का माहौल था, आम आदमी का जीना दुभर हो गया था और अपराधी सड़क पर। जो लोग नौजवान उस समय बच्चे होंगे उनको शायद याद ना हो, लेकिन किस तरह से जीवन चलता था बाकी लोगों को याद होना चाहिए। हम आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आए हैं, दोबारा वह दिन नहीं आना चाहिए। दोबारा वह दिन आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। भले आज जो कह रहे हैं जिनका 15 साल बाद पार था कि फिर से आपको 5 साल दीजिए, अच्छी अच्छी बात करेंगे, लेकिन आपके लिए क्या करेंगे? जब उनका राज पार था उस वक्त उदाहरण आपके सामने, आप तो कहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। जिस वक्त आपका शासन था उस पर किसी ने मना कर दिया था क्या कि नौकरी नहीं दीजिए लोगों को? किसी ने हाथ बांध दिया था क्या? हाथ बांधा नहीं था, हाथ आपका खुला था। नौजवानों की तकदीर को लिखने के लिए नहीं, दोनों हाथ से सरकार के खजाना को लूट कर अपने घर में फाड़ने के लिए आपका हाथ खुला था। मारने का काम किया, आपके बाल बच्चों की तकदीर को संवारने का काम नहीं किया। इसलिए हम आपसे आग्रह करने आए हैं, उनको अजमा लिया है आपने, बाद में जिनका 15 साल अभी चल रहा है, चाहे पुराना 15 साल हो या अभी का 15 साल हो, तब भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी, आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, यह सच है कि नहीं सच है? नौकरी भी बाल बच्चा तब करेगा गरीब घर का जब पढ़ाई लिखाई होगी, नहीं पढ़ेगा लिखे तो नौकरी भी क्या करेगा?
तो पढ़ाई शक्ति पद की पढ़ाई आज भी बंद है। गरीब लोग बीमार पड़ते हैं, बीमार तो अमीर लोग भी पड़ते हैं, लेकिन अमीर लोग बीमार पड़ते तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाते हैं, प्राइवेट हो जाते हैं। देखिए चाहे सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल, आप यहां से लौटकर अपने गांव में ठीक से जरा पता कीजिए। मास्टर साहब सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वेतन लेते हैं सरकारी स्कूल से, लेकिन जिनको पूरा वेतन मिलता होगा जिस स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बाल बच्चों को उसी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, उनका बाल बच्चा कहीं प्राइवेट में पढ़ता है। इलाज के मामले में भी जो भी सरकारी अस्पताल है डॉक्टर ही नहीं है। माँ बहन जब प्रसव का समय होता है लेडीज डॉक्टर कहीं है क्या सरकारी अस्पताल में? नहीं है। भाइयों बहनों जब हम भारत सरकार में मंत्री थे तो गरीब लोग किसी तरह से अपनी जमीन बेचकर किसी से कर्ज लेकर दिल्ली जाकर जब बीमार पड़ता था मंत्री जी इलाज करवा दीजिए। बिहार में प्राइवेट अस्पताल में जाने की क्षमता नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे जाए बेचा? सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है। सरकारी अस्पताल की दुर्दशा है कि जिस अस्पताल के बेड पर डॉक्टर होना चाहिए, जिस सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होना चाहिए बेड पर पेशेंट होना चाहिए, उस बेड पर पेशेंट नहीं, कुत्ता वहां आराम फरमाता है। कैसे इलाज कराए आदमी? प्राइवेट में जा नहीं सकता, सरकारी अस्पताल दुर्दशा का शिकार। लोग दिल्ली जाकर कह रहे थे मंत्री जी इलाज करा दीजिए, किसी तरह से पैसा जुगाड़ करके लाए हैं। माँ बीमार है, पत्नी बीमार है, परिवार का कुल सदस्य बीमार है। वहां जाकर लोग कहते थे एम्स में इलाज करा दीजिए, किसी सरकारी अस्पताल में ही दिल्ली में। भाइयों बहनों जब दिल्ली का सरकारी अस्पताल अच्छा हो सकता है तो मोतिहारी और पटना का सरकारी अस्पताल अच्छा क्यों नहीं हो सकता? हम भारत सरकार में केंद्रीय विद्यालय के मंत्री थे, नवोदय विद्यालय के मंत्री थे, वह विद्यालय भी सरकारी विद्यालय है। जब सरकारी विद्यालय केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय में अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो आपके गांव के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती? मौका दीजिएगा। हमने तय किया है कि नवोदय विद्यालय जिस तरह से तमाम देश के तमाम जिलों में एक एक नवोदय विद्यालय चल रहा है, अगर आपने मौका दिया तो बिहार के तमाम जिला में एक एक नवोदय विद्यालय की तर्ज पर बिहार सरकार अपना नवोदय विद्यालय नया विद्यालय चलाने का काम करेगा। और नवोदय विद्यालयों में गरीब घर के बच्चे ही सिर्फ पढ़ेंगे। हर जिला में एक विद्यालय जिसमें गरीब घर के बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं वही रहेंगे। फ्री में रहना, फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा, फ्री में किताब, सब फ्री में है। वही रहकर पढ़ेंगे, आवासीय विद्यालय होगा। और मास्टर साहब के विद्यालय में 10 बजे की जगह 12 बजे जाते हैं, उस विद्यालय में 24 घंटा मास्टर साहब की रहेंगे, उनका भी आवास उसी विद्यालय में होगा। वैसा विद्यालय हम खोलेंगे। भाइयों बहनों इलाज का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला या शिक्षा का मामला, रोजगार का मामला, नौजवान लोग रोजी रोटी की तलाश में किस तरह से भटकते रहते हैं। हमारे यहाँ के मजदूर लोग आप चले जाइए किसी भी देश के दूसरे बड़े शहरों में चले जाइए, उन शहरों में जाकर कभी सड़क पर खड़ा होकर गौर कीजिएगा। किसी भी शहर में हिंदुस्तान के बिहार से बाहर के किसी भी शहर में आप देखिएगा, सबसे जो ऊंचा मकान बन रहा होगा उस मकान में सबसे ऊपर खड़ा होकर अपनी जान को जोखिम में डालकर कोई मजदूर काम कर रहा होगा, समझ जाइएगा वह बिहार का कोई भाग होगा और कहीं का। हम मंत्री थे, नौजवान लोग जाते थे, इंजीनियरिंग पास है। भाइयों बहनों इंजीनियरिंग का पास विद्यार्थी बीए एमए
पास और 5,000 की नौकरी जाकर दिल्ली में ढूंढे, क्यों ऐसी स्थिति? या देखकर हम लोग का कलेजा अंदर से सिहर जाता था, क्या है बिहार? आप कहीं भी चले जाइए देश में, बिहार के लोग रोजी रोटी खोजते हुए वहां मिल जाए। लेकिन अब महाराष्ट्र आंध्र का कोई भी व्यक्ति आपके इलाके में कोई पेट पालने के लिए मजदूरी करने के लिए कहीं मिल सकता है क्या? कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि उन राज्यों के नौजवानों को मजदूरों को वही रोजी रोजगार मिल जाता है। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र आंध्र के नौजवानों को मजदूरों को उन्हीं की धरती पर रोजी रोटी रोजगार मिलता है, बिहार के नौजवानों और मजदूरों को इस धरती पर रोजी रोटी रोजगार क्यों नहीं मिल सकता? उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कौन दूसरा की माइक हाथ में रखिए? तो मित्रों, सब कुछ हो सकता, करने वाला होना चाहिए। 15 साल जिनको आपने दिया और 15 साल से जिनका अभी चल रहा, दोनों ने नहीं किया, दोनों ने अगर किया होता तो आज दुर्दशा का शिकार बिहार नहीं करता। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, पहले आपने उनके कारण हमको वोट दिया या इनके कारण हमको वोट दिया, इस बार हम आशा कर गया है उन लोगों के कारण हमको वोट मत दीजिए। कम से कम एक बार इस बार अपने 5 बच्चों के कारण वोट देने का काम हमको जागरूक कर दिया। उनका हक बनता था 15 साल, बनता था या नहीं आपने दे दिया, अगर कोई बात नहीं। इनका भी हक अभी भी नीतीश कुमार जी है, बनता था या नहीं बनता था, लेकिन आपने दे दिया 15 साल, उनको भी कोई बात नहीं। तो जब उनको 15 साल आप दे सकते हैं, उनको 15 साल, इनको 15 साल, तो 5 साल आप छोटा भाई पर सुबह को दे सकते हैं। उनका हक 15 साल का, बड़े भाई का 15 साल का, मझले भाई का 15 साल का, तो छोटा भाई भी उस बात का भी हक बांध सकते हैं। इसलिए हम आप सब लोगों से कह रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, अगर फिर से अजमाइएगा उन्हीं को तो बहुत नुकसान होगा, फिर भी बर्बाद होंगे, आगे भी बर्बाद होते हैं। 15 साल, 30 साल कोई कम समय नहीं होता। 30 साल पहले जिस बच्चे का जन्म हुआ होगा, इन 30 वर्षों के बाद वह बच्चा खुद ही 2-3 बच्चों का बाप बन गया। इतना दिन और फिर से उसी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक बार आप अपने बाल बच्चों की खातिर वोट देने का काम हमने तय किया है, आप मौका दीजिएगा। हम बिहार में तमाम गरीब लोगों के लिए न्याय करेंगे, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था इसी मिट्टी में, इसी धरती पर करेंगे। और साथ ही साथ सब लोगों ने वोट लिया, दलितों का, पिछड़ों का, सबका वोट लिया, और वोट से मिली हुई ताकत के इस्तेमाल अपने बाल बच्चों को बनाने में किया। सत्ता में भी हिस्सेदारी हमें उन्हें नहीं दी, वोट जरूर लिया, जिन निकाला कहा कि जिन निकल लिया, जिन क्या था पिछड़ा समाज दलित भाइयों का, वो तो वोट तो लिया है आपका, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी कभी नहीं दी। हमने तय किया, हमारे गठबंधन ने तय किया है, आप ताकत दीजिएगा, सरकार हमारी बनेगी तो 4 उप मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, 4 डिप्टी CM बनाने का काम करेंगे, 1 डिप्टी CM दलित परिवार का होगा, 1 डिप्टी CM अति पिछड़ा समाज का होगा, 1 डिप्टी CM अल्पसंख्यक समाज का होगा, और 1 जो गरीब लोग हैं समझ जाते भी उनके साथ भी मेहमानों ने न्याय नहीं किया है, समाज के विभिन्न वर्गों को सत्ता में भागीदारी देंगे, एक अन्य बात में हिस्सेदारी देंगे, अब तक के लोगों ने हिस्सेदारी देने की बात नहीं की, एक अन्य मार्ग में हिस्सेदारी दे। और इन 4 डिप्टी CM में कोई ना कोई एक महिला अनिवार्य रूप से होगी, हम महिलाओं का भी सम्मान करेंगे। आपके बाल बच्चों के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, गरीबों के लिए इलाज का अच्छा इंतजाम,
नौजवानों के लिए, मजदूरों के लिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार साथ ही साथ सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने का काम हम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, इस बार इधर उधर मत देखिए, एक बार से 5 साल के लिए क्षेत्र कुशवाहा को मौका देने की कृपा कीजिए। भाइयों बहनों, यहाँ से जो हमारे उम्मीदवार है, जिस पेशा में है, जहां भी है, सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर इन्होंने हमेशा आपकी खिदमत की है, आपकी सेवा करने का काम किया है। इनको ताकत दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सेवा करेंगे, ताकत दीजिएगा तो अकेले इनको ताकत नहीं मिलेगी, मायावती जी को भी ताकत मिलेगी, ओवैसी साहब को भी ताकत मिलेगी, ओम प्रकाश राजभर और चौहान साहब को ताकत मिलेगी और आपका छोटा एक आने वाले में छोटा अभियान मत देखिए और सब लोग मिलकर इनका चुनाव चिन्ह है छत का पंखा, मालूम है ना छत का पंखा, कितने लोग मालूम है जिनको, कितने लोग हैं जिनको पता है कि छत का पंखा इनका चुनाव चिन्ह हाथ उठाए होगा, सब लोग को मालूम है कि सेलिंग फैन है छत का पंखा, तो इनको सब लोग मिलकर के कब है यहाँ मतदान, 7 तारीख को, 7 तारीख को, 7 तारीख को सब लोग मस्जिद के पर जाकर और वहाँ जो दूसरे नंबर पर इनका नाम और पंखा छाप है तो पंखा छाप के सामने के बटन को दबाइए और भाई बहनों से इनको जिता कर भेजने का काम कीजिए, यही काम करने की मैं आपको भी जाए है। अंत में जरा एक बार बताइए सब लोग कि सब लोग मिलकर इनको जिताइए, हाथ उठा के बताइए तो सब लोग जिताइएगा, चलिए इनको जिताना है तो अगर आप कहिए आप जिताएं हो तो जीत का माला इनको हम पहना दे, हाथ उठा के बताइए सब, तो चलिए जीत का माला पहनाते हैं, उसके पहले आप एक नारा लगाएंगे, आपसे आग्रह होगा कि सहयोग कीजिएगा, आप लोग रखोगे इसमें दूसरे मास्क खोले हुए हैं हम बोलेंगे अब की बार आप करिएगा शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अगर चाहिए इसी धरती पर रोटी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार, अगर चाहिए इसी धरती पर रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार शिक्षा वाली सरकार।